दोस्तों, दमा या अस्थमा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बीमारी दम निकलने के बाद ही जाती है। इसका एक मूल कारण दोस्तों ये भी है कि ये बीमारी उन बीमारियों में से है जिनके इलाज में काफी लंबा समय लगता है। दमा या अस्थमा को ठीक करने के लिए अभी तक कोई अचूक दवाई भी नहीं आई है। आइए जानते हैं कि अस्थमा क्या है। अस्थमा हमारी श्वसन प्रणाली से जुड़ी बीमारी है जिसको सिर्फ घरेलू तरीकों से ही ठीक किया जा सकता है। पूरी दुनिया में करीब 30 करोड़ से अधिक लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, वहीं करीब लगभग 2,30,000 लोगों की इस बीमारी से मौत हो जाती है। अस्थमा कई बार किसी खास एलर्जी के संपर्क में आने पर, खांसी, छींके या फिर नाक से पानी आने को हमें ज्यादा समय तक नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एलर्जी की वजह से हमारी सांस की नलियां सूजने लगती हैं, बाद में ये सिकुड़ती हैं और इनकी भीतरी दीवारें लाल हो जाती हैं। इससे क्या होता है कि सांस को बाहर छोड़ने में हमें दिक्कत होने लगती है। इसके बाद धीरे धीरे फेफड़ों में हवा भरने लगती है और व्यक्ति जल्दी जल्दी हांफने लगता है। दोस्तों, इसी स्थिति को अस्थमा कहा जाता है। ये बीमारी गर्मियों की बजाय सर्दियों में ज्यादा गंभीर हो जाती है। आइए जानते हैं इस बीमारी के मुख्य लक्षणों को। सीने में दर्द होना, कमजोरी का महसूस होना, सर में भारीपन का लगना, रात में ठीक से नींद ना ले पाना, दिल की धड़कन का तेज होना, हमेशा कफ बने रहना और उसके बाद गाढ़ा बलगम आना और सांस लेने पर घड़घड़ की आवाज का होना। ये तो थे दोस्तों मुख्य लक्षण अस्थमा के घरेलू अचूक नुस्खों के बारे में, जिनको अपनाकर आप अस्थमा को जड़ से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। इन नुस्खों को अपनाने से आपको कुछ ही दिनों में रिजल्ट मिलने लगेगा। मेथी के दाने। दोस्तों, आपको मेथी के दाने को पानी में अच्छे से उबाल लेना है और फिर इसमें शहद और अदरक को डाल लेना है और फिर आप इसका सुबह सुबह सेवन करें। ऐसा करने से आपको इस बीमारी में बहुत ही अधिक राहत मिलेगी। आंवला पाउडर। आंवला पाउडर में शहद को मिलाकर खाली पेट आपको रोज इसका सेवन करना है। अगर आप रोज इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका अस्थमा कंट्रोल हो जाएगा। पीपल के पत्ते। आपको दोस्तों बस इतना करना है कि पीपल के पत्तों को जलाकर सुखा लें, इसके बाद इसे छानकर शहद में मिला लें और दिन में 3 बार आपको थोड़ा थोड़ा इसका सेवन करना है। अगर आप ऐसा रोज करते हैं तो आपकी अस्थमा की समस्या कुछ ही दिन में दूर हो जाएगी। सौंठ का सेवन। आपको सौंठ का सेवन सौंठ, सेंधा नमक, जीरा, भुनी हुई हींग और तुलसी के पत्तों को पीसकर 100 मिलीमीटर पानी में इसको उबाल लें। इस पानी का सेवन करने से आपकी अस्थमा की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सूखा अंजीर। 4 सूखे अंजीर को रात में पानी में भिगोकर रख लें और सुबह इसको पीसकर इसका सेवन कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपकी अस्थमा की बीमारी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अस्थमा क्या है, क्या है इसके लक्षण और इसको ठीक करने के घरेलू उपायों के बारे में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नई हेल्दी टिप्स के साथ। नमस्कार दोस्तों।